बात करते हैं सियासत की, क्योंकि बाहरी सियासत बहुरंग तोरे, सियासत में ना कटुता असर होती है ना रिश्तों में स्थायित्व। बात डॉक्टर किरोड़ी मीणा और नमोनारायण मीणा की मुलाकात की। मॉर्निंग वॉक पर निकले किरोड़ी, पहुंच गए नमोनारायण से घर पर मुलाकात करने के लिए और सुबह की चाय पर चर्चा हुई। दोनों के बीच सियासी गपशप भी हुई। दरअसल हाल ही में हुए एक वाक्य के बाद इस मुलाकात के अपने आप में कई मायने हैं। गंगापुर में नमोनारायण के साथ हुए वाक्य का जब पता लगा तो डॉक्टर साहब को वाक्य अच्छा नहीं लगा था। सरकारी कार्यक्रम में माननीयों की गाड़ी में नहीं मिली थी नमो को जगह और वायरल हुए वीडियो के लिए मन ने वेदना लिए। ये जो वीडियो वायरल हुआ था इसकी वजह से अपने मन में वेदना लिए डॉक्टर किरोड़ी पहुंच गए, मिले, मुलाकात कर कहा नेताओं को वरिष्ठता और उम्र का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी और नमो नारायण की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हमेशा जग जाहिर रही है, लेकिन किरोड़ी का नमो के घर जाकर मुलाकात सियासी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि नमो नारायण कांग्रेस में रहे और भाई हरीश मीणा रहे भाजपा से सांसद, लेकिन हरीश मीणा सांसद बनने के बाद पाला बदल बन गए कांग्रेस के विधायक। और ऐसे में सियासत में न जाने कब कब कैसे कैसे बदल जाए ये कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। कहा जा सकता है कि सियासत के रंग बहुत सारे होते हैं और इन्हीं सियासत के अलग अलग रंगों में ये तस्वीर भी समाहित है। कांग्रेस में मंत्री बन गए वो मीणा नेता जो वहाँ पर थे, जो MLA बन गए हैं उनके मैं नाम नहीं बनाना चाहता, जो इनकी मेहरबानी से भी बने एक दो, वो इतने बड़े आदमी का अपमान करें वह असहनीय है, उसको सहन नहीं किया जा सकता। और समय पर इसने इसका अपमान का बदला ये लें या न लें नमोनारायण जी, हम जरूर लेंगे। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आज काफी रोचक तस्वीरें अभी दर्शकों के साथ साझा की है, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने मुलाकात की नमोनारायण मीणा से, लेकिन प्रतिद्वंदिता को एक परे रखकर आज ही मुलाकात, जिसके कई मायने और कई महत्व भी बताए जा रहे हैं, कितनी खास रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले दिनों जो किरोड़ी लाल मीणा के मूवमेंट रहे हैं दिल्ली से लेकर जयपुर के, और उसके बाद बीजेपी के कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साथ मौजूद रहना और अन्य कार्यक्रमों में मौजूदगी रहना, और ऐसे में कांग्रेस नेता के घर पर जाना, वो भी उस माहौल में जब कांग्रेस नेता को गाड़ी में नहीं बिठाए जाने के सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगे थे कि कई नेताओं ने उन्हें अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया। हालांकि वास्तविकता क्या थी, गाड़ी में जगह थी या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जब अपने घर से निकले तो उनके मॉर्निंग वॉक के दौरान तो उनके घर पर पहुंच गए और उनके साथ चाय पर सामान्य चर्चा की। लेकिन इसको अगर पहले से जोड़कर देखते तो जिस वक्त में UPA सरकार हुआ करती थी तो उस वक्त नमोनारायण मीणा की टूटी बोलती थी, ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे थे, लेकिन समय पलटा, उनके भाई की टूटी बोलने लगी, वो मोदी सरकार में FP बन गए, बाद में उन्होंने उनके भाई ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस तरीके के कई चीजें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा किरोड़ी लाल और नमोनारायण मीणा ये दो लीडर्स ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता भारी रही है, और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक शत्रुता कुछ भी कहें काफी भारी रही है। लेकिन ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का घर जाना, क्योंकि ये जो सियासत है इस तरीके की घर जाने की, ये सियासत भैरव सिंह शेखावत की इसी अंदाज की सियासत हुआ करती थी। वो कई बार इस तरीके से ही दिखाते थे, यदि किसी को कोई नाराजगी भी होती थी तो उसकी बात सुन लिया करते थे। राजनीतिक तौर पर वो दौर अगर देखे तो एक बहुत बड़े कॉमरेड नेता थे, उनके साथ उनकी राजनीतिक ताल्लुका कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन कॉमरेड नेता का भैरव सिंह शेखावत बड़ा ध्यान रखा करते थे। जो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, काफी बुजुर्ग नेता थे, तो राजनीति उस दौर की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले का एक की बात कही जा सकती है। लेकिन देखना होगा कि नमोनारायण मीणा की और किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात एक सामान्य मुलाकात है या फिर इसके पीछे भी कोई सियासी बातें हैं, क्योंकि सियासत में सब कुछ बस यूं ही नहीं होता, उसके कई मायने निकाले जाते हैं। जयती, बिल्कुल ऐश्वर्य आप ठीक कह रहे हैं, और कुल मिलाकर की तस्वीर यही बयां कर रही है कि राजनीति का ऊंट है ये, कब किस और करवट पलट ली ये पता नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें सारी साझा करने के लिए और पूरी बातचीत के लिए ऐश्वर्य, साथ जुड़ने के लिए भी।